अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू सुमैरास टेस्टी किचन। आज हम एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हुए हैं जिसका नाम है मलाई बेसन बर्फ़ी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दो कप बेसन लेंगे और उसको छान लेंगे और उसमें एक कप फ्रेश मलाई का शामिल कर देंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जैसे ही बेसन और मलाई मिक्स हो जाएं तो उसको 20 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। फ्लेम को ऑन करेंगे और पैन में 2 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे। इसमें अब 4 से 5 अदद छोटी इलायची डालेंगे। जैसे ही इलायची की खुशबू आने लगे इसमें बेसन और मलाई का मिक्सर डालकर इसको अच्छी तरह भूनेंगे। लो फ्लेम पर चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह हिलाएंगे। बेसन अच्छी तरह भून चुका है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसको अलग-अलग बर्तन में निकाल लेंगे। पैन में 1 कप चीनी और 1/2 कप पानी डालकर इसको मेल्ट होने तक पकाएंगे। नी मेल्ट हो गई है, अब इसमें बॉईल भी आ चुका है। अब इसमें बेसन शामिल करेंगे। चीनी और बेसन को यकजान होने तक पकाएंगे। मलाई बेसन बर्फी तैयार हो चुकी है। अब ट्रे में बटर पेपर या ऑयल लगाकर इस मिक्सचर को ट्रे में निकाल लेंगे। अब इस पर बादाम गार्निश करेंगे और किसी चम्मच या स्पैचुला की मदद से इसको ज़रा दबा देंगे और 6 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर सेट होने के लिए रख देंगे। और जैसे ही बर्फी सेट हो जाए उसको टुकड़ों में काट लेंगे। लीजिए, हमारी मलाई बेसन बर्फी तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।